सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने अपने सभी लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि अपना जो ओमिल है वो सभी लोग क्रिएट कर लें। लेकिन जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम गलत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि बाद में हम सब लोगों को कुछ परेशानी महसूस होती है, पछताना भी पड़ता है। ऐसे हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, बहुत सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी थी जाने अनजाने में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि उनका जो ओमेल आईडी है वो गलत तरीके से रजिस्टर हो गया है। तो ये जो वीडियो है वो ख़ास तौर से इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अभी गुरसबिंदर ढिल्लन सर ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी एक हमें इम्पोर्टेंट अपडेट दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि कंपनी का भी यही मानना है कि आप सब लोगों को साथ में लेके चला जाएगा, पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो उन्होंने गुरसबिंदर ढिल्लन सर जी ने जो है अपनी एक वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों को एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है, जो कि आप थंबनेल के ऊपर भी देख रहे हैं। इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर जो देख रहे हैं wrinklesoes@gmail.com, ये एक ऐसी ईमेल आईडी है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने कुछ गलतियों के चलते कुछ अपना इस तरीके से ओमेल क्रिएट कर लिया है एज ए कस्टमर या किसी और वजह से, या कुछ भी गलती हो गई हो, तो वहाँ पे वो एज ए फाउंडर, उनका जो ओमेल आईडी है वो एज ए फाउंडर रजिस्टर नहीं हुआ है। तो ऐसे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं जिनका ओमेल आईडी कस्टमर वाली आईडी में रजिस्ट्रेशन हो गया है, या जिन्होंने onpassive.com पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया है, या जिनका ओमेल आईडी के अंदर प्रोफाइल में जो हमारे ओ फाउंडर का लोगो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये ईमेल आईडी बनाई गई है। तो यहाँ पर इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी जीमेल आईडी और ओमेल आईडी को टाइप करके इस वाली ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। जी हाँ, फिर से सुने, ये जो ईमेल आईडी जो थंबनेल के ऊपर लिखी हुई है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना डाटा सेंड करना है। और जो आपका डाटा है वो सिर्फ इतना मांगा गया है कि आप अपनी ओमेल आईडी और अपनी अल्टरनेट जीमेल आईडी जिससे आप अपनी ओ फाउंडर वाली आईडी को ओपन करते हैं, ये दो अपनी आईडी आप लिख करके सेंड कर दो इस wrinklesoes@gmail.com पर। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी गलती हुई है, कंपनी इसको वेरीफाई कर देगी, कंपनी इसको वेरीफाई कर तरीके से चेक करेगी, और अगर आप वास्तव में फाउंडर हैं और आपका गलती से कस्टमर वाले सेक्शन में जाकर के ओमेल बन गया है तो आपको फाउंडर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या आपकी वो वाली ओमेल आईडी को डिलीट कर दिया जाएगा, या जैसे भी होगा वो कंपनी का प्रावधान रहेगा, लेकिन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो, यहाँ पर इस ईमेल आईडी को ध्यान से देखें, इस ईमेल आईडी को ध्यान से एक एक स्पेलिंग को देख लें, रिंकल्स wrinklesoes रिंकल्स oes@gmail.com। यहाँ पर आप अपनी ओमेल आईडी और अपनी जीमेल आईडी, फाउंडर वाली जीमेल आईडी, बस इसको सेंड कर देना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना ध्यान रखें कि इस जीमेल आईडी पर केवल वही लोग अपना डाटा सेंड करें जिनसे मिस्टेक हुई है, जिनकी कोई भी मिस्टेक नहीं है वो सेंड ना करें। ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। अगर मेरे पास ईमेल, मेरा ओमेल सही तरीके से बन गया है, मेरे ओमेल में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इस ईमेल आईडी पर कुछ भी सेंड नहीं करना है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको बाय मिस्टेक कुछ गलतियां हो गई हैं, ये सिर्फ उनके लिए, इतना ध्यान रखें। आई होप आपको मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। इस स्पेल, जब भी आप मेल कर रहे हो तो उस मेल को टाइप करते समय, जी हाँ, मेल को टाइप करते समय ध्यान से उसकी स्पेलिंग को चेक करें, और अपनी भी ओमेल आईडी की स्पेलिंग ध्यान से चेक करें, और अपनी भी फाउंडर वाली ईमेल आईडी की स्पेलिंग भी ध्यान से चेक करें, और उसके बाद आप उसको इस मेल आईडी पर सेंड कर दें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंड वी आर इन इट टू विन इट।